ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज से हमने एक न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस शुरू किया है, जोडियाक साइंस थ्रू अ माइक्रोस्कोप। दोस्तों, हमारे पूर्व के ऋषियों और मुनियों ने आकाश की तरफ देखा और कुछ साइंस उन्हें प्रोमिनेंट लगी, कॉन्स्टेलेशंस, तारों की अरेंजमेंट उन्हें कुछ प्रोमिनेंट लगी, और हमें सोचना होगा कि क्या कारण है कि किसी एक विशेष साइन का एक विशेष आकार है, विशेष चिन्ह है, गुण है, तत्व है, प्लैनेटरी लॉर्डशिप है। तो वी आर पेनिट्रेटिंग डीप विद इन, और कुछ ऐसे तथ्य जो अनकन्वेंशनल है बट दे रियली वर्क, हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो की सीरीज में। जोडियक साइंस की कड़ी में सबसे पहली जो राशि आती है एरीज, मेष राशि, द सिंबल ऑफ विच इज दैट ऑफ अ रैम और शीप विथ हॉर्न्स। तो दोस्तों, इसका जो लॉर्डशिप है वो मंगल, मार्स के हाथों में है। बड़ी ही एनर्जेटिक साइन है। जब भी एरीज शब्द आए, मेष राशि ये शब्द आए, एनर्जी, एनर्जेटिक, स्विफ्ट, फास्ट मूविंग, सडन आउटबर्स्ट, दीज आर द वर्ड्स दैट शुड कम टू योर माइंड। बड़े ही एनर्जेटिक होते हैं, और कुंडली में ये साइन 12 में से जिस भी खाने में अपनी प्लेस ऑक्यूपाई करेगी, दैट एरिया ऑफ लाइफ ऑफ योर्स विल रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी। दैट इज द रीजन मार्स governs this sign, it is the planet bubbling with energy, and that's the reason Shani, Saturn is debilitated in this sign. Shani ye sign mein, Aries mein aake neech ka ho jata hai. To prominent Aries wale, Aries ascendant wale ya moon sign ya sun sign jinki Aries hoti hai, unme Mars wale sabhi gun aa jate hain, impulsive hote hain, short tempered hote hain, है ना? They don't have an eye for beauty, creativity. They are rather functional. Aries वाले जातक जो है किसी भी चीज में ऐसे ब्यूटी या सुंदरता या लग्जरी नहीं तलाश करते, फंक्शनल। कार लेंगे तो यूटिलिटी व्हीकल लेंगे विच इज मोर फंक्शनल। कोई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेंगे तो they'll make sure that गैजेट इज फंक्शनल, है ना? Outburst of anger, outburst of thoughts, outburst of action, sudden swift action, बातों बातों में काम कर देना, बड़े बड़े decisions spontaneously ले लेना, ये राशि की विशेषता है। ऐसे राशि वालों का जो metabolism है बड़ा ही strong होता है। तो normally देखा गया है कि well built, सुडौल आकृति वाले, मजबूत मांसपेशी वाले, बोन्स वाले, मसल्स वाले, मजबूत मसल्स वाले होते हैं। पिक्यूलर इनकी नाक होती है, नाक का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा लंबा होता है, नाक जो है इनकी लंबी होती है, और जिद्दी होते हैं, जो एक बार सोच लेते हैं, थोड़े सन की भी होते हैं, एक बार जो सोच लेते हैं उसको कर गुजरते हैं। इसलिए ऐसे जातक जो है सेना आदि, है ना, बड़े ऑफिसर आदि, पुलिस, नेवी, सेना, इनमें ऐसे लोग जो है उसमें बहुत अच्छा भूमिका निभाता, और टारगेट ओरिएंटेड रहते हैं। आपने YouTube आदि पे वीडियोस देखे होंगे जहां पे एक शीप जो है एक किसी टारगेट को, एक ह्यूमन बीइंग को अटैक कर रही है। शीप अटैक्स के बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं। तो जिस तरह शीप ऐसे अटैक करती है, इट इज टारगेट ओरिएंटेड, इट फर्स्ट सेट्स अ टारगेट। सो दीज एरीज पीपल आर टारगेट ओरिएंटेड, एंड आपके कुंडली में जहां भी ये साइन आए आप उसको लेके टारगेट सेट करिए। इनकम के सेकेंड हाउस में अगर आए तो इनकम को लेके टारगेट सेट कीजिए। करियर के टेंथ के हाउस में है एरीज, उसको लेके आप टारगेट सेट करिए तो आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो ये था एरीज वालों के बारे में। यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेम स्टोन्स चाहते हैं, या पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, तो संपर्क जरूर करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।